पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन PCA को 3 साल बाद T20 मैच की मेज़बानी करने का मौका मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। PCA ने इस मौके को खास अंदाज में यादगार बनाया। PCA ने मुकाबले से पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और हरभजन सिंह के नाम पर स्टैंड का नाम रखा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। भगवंत मान समारोह के दौरान युवराज और हरभजन के साथ दिखाई दिए। युवराज मैच से पहले भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ नजर आए। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने प्रसिद्ध टेरेस ब्लॉक का नाम बदला। हरभजन ने भारत के लिए 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 T20 खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 711 विकेट अपने नाम किए। वहीं अगर हम बात करें युवराज सिंह की, उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 खेले हैं। युवराज ने तीनों पारियों में कुल 148 विकेट लेने के अलावा 11,000 से अधिक रन भी बनाए हैं। दोनों पंजाब के साथ साथ भारत क्रिकेट के लिए हीरो हैं और प्रशंसकों के साथ साथ खिलाड़ी भी इन दो क्रिकेटर के नाम पर स्टैंड देखकर प्रभावित हो गए। मोहाली का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 1984 में बनाया गया था। इसका नाम PCA और BCI के पूर्व अधिकारी IS बिंद्रा के नाम पर रखा गया था। अगर हम बात करें कल के मैच की, तो टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। वहीं अगर हार्दिक पंड्या ने 30 गेंदों में 70 से अधिक रन बनाए और नाबाद रहे। अपनी पारी में हार्दिक ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। हार्दिक ने 20 ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। भारत ने आखिरी 5 ओवर में कुल 60 से ऊपर रन बनाए थे। आखिरी में हार्दिक और हर्षल पटेल ने 11 गेंदों में 32 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। KL राहुल 55 और सूर्य कुमार यादव ने 46 रन की पारी खेली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।